वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलेंट तो जैसे कि आपको पता है कल रक्षाबंधन है रक्षाबंधन पर यदि इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपको वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक एंड व्यूज आ सकते हैं तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको यहाँ पे चार से पांच फोटो की ज़रूरत पड़ेंगे तो आपको फोटो क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद एक अप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने मोबाइल फोन में तो इस अप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करना है वो भी मैं वीडियो को लास्ट में बता दूंगा तो इस अप्लीकेशन को सबसे पहले ओपन करना है ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं तो सिंपल आपको क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे एड्स चलने लगता है तो एड्स को आपको बैक कर देना है तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है क्रिएट वीडियो इसके बाद माय एल्बम माय एल्बम पे क्लिक करेंगे तो आपने जो वीडियो एडिट करके रख चुके हैं तो यहाँ पे आपको शो कर देगा तो सिंपल इसे हम ऐड्स चल रहा था इसे हम बैक होने देते हैं यहाँ पे आपको कुछ टाइम वेट कर लेना है तब तो देख सकते हैं यहाँ पर कट का निशान आ गया था देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था तो यहाँ पर वीडियो शो कर रहा है तो आप चाहे तो इस तरह की भी वीडियो बना सकते हैं मैं सबसे पहले आप एक बार प्ले कर, कर दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन लग रहा है इसके बाद इसे हम बैक करते हैं बैक करने के बाद फिर से हमें लेस्ट स्टार्ट पर क्लिक करना है क्रिएट वीडियो पर क्लिक करना है इसके बाद एड्स आ रहे थे हम बैक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं इसके बाद आपका यहाँ पे गैलरी ओपन हो जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना अपना यहाँ पर फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है तो मैं यहाँ पे चार से पांच फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ फ़र्स्ट फ़ोटो ये सेलेक्ट कर लेता हूँ सॉरी ये पी में है इसे हम सबसे पहले हम रिमूव करता हूँ यहाँ पे मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव फोर, सिक्स सेवन छः से सात फ़ोटो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है इसका बाद देख सकते फिर से आपको एड्स आना चालू हो गया हुआ है तो इसे हम बैक कर लेते हैं बैक करने के बाद यहाँ पर फिर से हम राइट क्लिक कर देंगे देख सकते हैं आपका वीडियो जब आप प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे देख सकते हैं एनिमेशन भी देखने को मिल जाते हैं तो आप अपने हिसाब से एनिमेशन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं तो आप आँग देख सकते हैं एनिमेशन चेंज हो चुका है इसके बाद ये एनिमेशन यूज करके देखता हूँ तो ये देख सकते हैं आपको काफ़ी बेहतरीन लग रहा है तो इस तरह से बहुत सारे एनिमेशन इस एप्लीकेशन के अंदर दिया गया है तो आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो फिलहाल में मैं यहाँ पे फर्स्ट या सेकेंड अप एनिमेशन को मैं यूज करूँगा तो जो काफ़ी तो बेहतरीन लग रहा है मैं देखने में तो मैं फ़िलहाल में देख सकते हैं तो यहाँ पे मैं फर्स्ट एनिमेशन को आपको यूज कर रहा हूँ ठीक है इसके बाद आपको क्या करना है थेम पे क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाते हैं जो भी आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं तो ज़्यादातर मैं यही यूज करता हूँ तो आपको बहुत सारे थीम तो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं ठीक है इसके बाद आपको सिंपल मान लो किसी को भी आप सेलेक्ट कर लेना अदरवाइज आपको डिपेंड करता है तो मैं एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ चलो फिलहाल में मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ सेलेक्ट करने के बाद सिंपल इसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन से चार सेकंड तक ऐड चल रहा होता है तो इसे आपको वेट करना है इसके बाद बैक करेंगे इसके बाद फिर से हम कट करना है और ये देख सकते हैं वीडियो हमारा एक्सपोर्ट होना ये स्टार्ट होकर हो चुका है और सबसे बड़ी बात इस एप्लीकेशन में है इस पर इस एप्लीकेशन का लोगो नहीं आता लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशन से आप वीडियो एडिट करेंगे तो आपने देखे होंगे उस लोगो का उस ऐप का लोगो आ जाता है लेकिन यहाँ पर लोगो नहीं देखने को मिलता है तो इसे हम बैक करते हैं हमारा वीडियो लगभग एडिट हो चुका है इसके बाद हम आपको एक बार वीडियो को प्ले कर कर दिखा देता हूँ